सांगवान क्या फॉलो अप कर पाएंगे टेट के लिए, बहुत ही प्रिपेयर्ड है। बट टेट का यहाँ पे तीसरा नॉक आते हुए सेउल के सांगवान को भी नॉक कर चुके, यहाँ पे अकेला उनका 1v1 फाइट होगा सेउल के मॉर्टल के साथ। क्या यहाँ पे 1v4 कर सकते हैं टेट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा मोमेंटम देते हुए, बट मॉर्टल ने यहाँ पे टेट को फिनिश करा। बट मैं कहा कि स्वैग ने पीछे से मॉर्टल को फिनिश ऑफ कर दिया। बट वॉट एन अमेजिंग गेम प्ले बाय सिनर्जी टेट, बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले। क्रैट आपका क्या कहना है? एग्जैक्टली काफी देर से जंग चल रही थी, टेड ने वहां पे काफी देर से पोजीशन होल्ड कर रखी थी। उन्होंने पहले रेगल्टॉस को चटकाया, उसके बाद वाइपर को मारा, सांगवान को मारा, आखिरी में भली वो जान देते हैं मॉर्टल के हाथों, बट वहां पर पूरे सोल को यहां पर अर्ली एग्जिट करने पे मजबूर कर दिया। सोल के पास अच्छी रैंक थी बट किल भी उन्होंने ठीक ठाक हासिल करी। बट यस, आई वॉज होपिंग फॉर मोर बिकॉज उनके पास अच्छी पोजीशन थी, चारों पे जिंदा थे, बट एक अकेले सिनर्जी गेमिंग के प्लेयर ने एक तूफान की तरह आया, सब कुछ तबाह कर दिया और आंधी की तरह चला गया। 5 सीट 14 प्लेयर 22 मिनट गेम के अंदर खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर फिर से काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रही है मार्कोस गेमिंग। मार्कोस गेमिंग के पास सर्कल उनके काफी ज्यादा फेवर में तो नहीं, बट मेगा स्टार्स अभी फायदा उठा सकती है सर्कल में होने का। मेगा स्टार्स लास्ट गेम के अंदर 11-12 पोजीशन पे थे वो, तो इस गेम के अंदर एक अच्छा गेम रखकर वो पहली गेम को नल एंड कर सकते हैं। वहीं पे सूर्या ने अपनी 416 से टूपोमैन को नॉकआउट कर दिया और एंड टॉप अब शायद से अपनी टीम प्लेयर को बचाने की कोशिश करते, उससे पहले एंड टॉप देखे देखते रह गए। वहीं पे मार्कोस गेमिंग ने इंस्टेंट उनको गेम से बाहर कर दिया वहां पर। अब एंड टॉप धीरे धीरे रिजिस्ट का फायदा उठा के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और मार्कोस गेमिंग का सेटअप देख रहे हैं कैसे तीनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो अकेले नहीं जाना चाहते, तीनों प्लेयर एक साथ रशिंग करेंगे जिससे कि कैजुअलिटी होने के चांसेस खत्म हो जाए। एंड टॉप ने अपनी बैरल से आपने जो हमारे प्लेयर है एंड टॉप उनको खत्म किया, मार्कोस गेमिंग के एक किल को कंफर्म किया, बट उन्होंने इतना ज्यादा कमिट दिखा दिया कि वो बाकी दो साइड से भूल के, अगर वो ऊपर वाला प्लेयर नॉक नहीं होता देन थोड़ा फायदा हो सकता था। बट फिर से अब टेबल्स बदल चुके हैं, अब मैं बोलूंगा कि सर्कल में सबसे ज्यादा एडवांटेज मेगा को होगी जस्ट बिकॉज वो चार प्लेयर जिंदा है। अगर ट्रेड भी करते तो बेहतर ही रहेगा। मार्कोस गेमिंग के प्यारा भाई नॉकआउट हो चुके हैं यहाँ पर, अब उनको रिवाइव देना है सूर्या ने। सूर्या जो आईजीएल है, आईजीएल के साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के अंदर इस प्लेयर ने आसमान छू रखा है और बीच में कहीं छुप रखी है टीम यू मुंबा। 3 टीम 10 प्लेयर, 1 के 4 प्लेयर जिंदा है, 1 के 3 प्लेयर जिंदा है, 1 के 3 प्लेयर जिंदा है। सो दो चार टीम इट्स अ 4v4v2, यहाँ पे 2 प्लेयर जिंदा है मार्कोस गेमिंग के, 4 प्लेयर जिंदा है मुंबई के, 4 प्लेयर जिंदा है यहाँ पे मेगा स्टार्स के। वहीं पे पेटी पैक करने मेरे कहते ही सूर्या को यहाँ पे नॉकआउट किया, सूर्या की किल कंफर्म करना चाहते हैं बट प्यारा भाई कोशिश कर रहे हैं प्यारा बॉय कि उनकी किल कंफर्म ना होने दे, बट वहाँ पे पेटी पैक रुकने का नाम नहीं ले रहे, ब्लू जोन का डैमेज ले रहे हैं, फिर भी काफी तेजी से सर्कल में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्लोअर एज है तो आराम से सर्कल कटता है और उस चीज का आराम से फायदा भी उठा पाएंगे, बट इतना ज्यादा लॉन्ग रोटेशन नहीं, वैक्सीन वहीं पर फायदा उठाया, M16 के कुछ टैब्स टिकाए और वहीं पे पेटी पैकर को नॉकआउट कर दे, किसी तरीके से सर्कल में तो आ जाएंगे। मुझे लगता नहीं ज्यादा देर बच पाएंगे, क्या डोप किट बीच में या क्यूओपी अपने प्लेयर को जाके बचा पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है, बट प्लेज उनका शिकार बनते हैं प्यारा भाई। और इसी के साथ मार्कोस गेमिंग का सफर होता है खत्म। नाउ इट्स अ सिचुएशन बिटवीन 4v3, अभी भी एक प्लेयर यहां पे रिवाइव हो सकता है, पेटी पैकर को बचा नहीं पाए, उससे पहले एनकोन ने अपनी एके से शिकार बना लिया, इट्स अ 3v4 सिचुएशन। बट अगर आप सर्कल की बात करें तो सर्कल दोनों टीम के बीच में कटा है, दोनों टीम को रोटेट करना पड़ेगा सर्कल में अंदर, बट अगर जिस तरीके से भीष्मा देख रहे हैं सिचुएशन को, भीष्मा के पास एक अच्छी पोजीशन है, भीष्मा के पास गन भी अच्छी है, अगर ये एसकेएस के एक से आधे टैप टिक गए देन मेगा को होश तक नहीं आएगा, उससे पहले यूमुम अपने लिए चिकन निकालेंगे। और वहीं पर अगर वहां पर मेगा सर्कल में पहले पहुंचकर हाइड आउट कर जाती है, स्मोक अच्छे यूज कर पाती है, देन वो भी आराम से यूमुम्बा को गेम से बाहर कर सकती है। डेफिनेटली, और एक चीज आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जितने भी दर्शक हैं, अभी वैक्सी के हमने स्कोप में देखा भीष्मा कितना मिनिमलिस्टिक मूवमेंट दे रहे थे, वो कितना ज्यादा मैटर करता है कि अपने बॉडी को कितना ज्यादा यू नो अच्छा तरीके से उन्होंने एक्सपोज करा फिर इंस्टेंटली वापस आ रहे, तो वो चीज उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे पैराडॉक्स ने डोपकिट को स्पॉट कर रखा है, दोनों स्पॉट को यहाँ पे जोन के अंदर जरूर एंटर करना पड़ेगा, डोपकिट के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। कीकी ने यहाँ पे मेगा के सास के ऑनकोर को नॉक कर दिया, तो फाइनली द टेबल्स हैव बिकम इवन, अभी एक एक प्लेयर इनके ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पे ऑनकोर को बचाना लाजमी होगा या फिर संभव भी रहेगा यूएमई के कीकी ओपी, हाउएवर यहाँ पे एक्शन में आते हुए ऑलरेडी यूएमई के प्लेयर्स ने यहाँ पे 8 किल्स अर्ज रखे हैं अपनी टीम के लिए। देखते हैं यहाँ पे पैराडॉक्स स्प्रे डाउन करने की कोशिश कर रहे थे बट इंस्टेंटली इनको अभी फर्स्ट एड लगाना पड़ेगा। सर्कल यहाँ पे क्लोजिंग कर रहे हैं, 7वां सर्कल है तो ज्यादा देर तक यहाँ पे वेट आउट नहीं कर सकते। मेगा स्टार्स के स्वैग ने यहाँ पे यूएमई के डोप किट को नॉक कर दिया। फिलहाल की यहाँ पे स्प्रे डाउन लेते हुए यहाँ पे मेगा स्टार्स की पूरी जो मूवमेंट है यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चारों तरफ यहाँ पे स्मोक सब बिखेर रखा है। फिलहाल स्वैग का यहाँ पे बहुत ही प्यारा स्प्रे जाता हुआ भीष्मा की तरफ, बट भीष्मा का यहाँ पे एसकेएस अभी थोड़ा सा फॉल डाउन करेगा क्योंकि अभी जो रेंजेस हो चुके हैं वो लोअर मिड रेंज की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे आई थिंक रिलाय करना चाहेंगे एक ही गन की तरफ। मेगा के वैक्सी ने वहाँ पे यूएमई के डोप किट का भी किल सिक्योर आई थिंक कर दिया, ऑन कोर यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। बाकी मेगा के साथ के 3 प्लेयर्स यहाँ पे धीरे धीरे हेड इन करते हुए
बहुत ही ज्यादा मुश्किल सिचुएशन यहाँ पे परिस्थिति हो चुकी है टीम यूएमई के प्लेयर्स के लिए, भीष्मा और कीकी दोनों प्लेयर्स बचे, बट कीकी का हमने देखा है बहुत ही प्यारा यू नो क्लचेस के लिए जाने माने जाते हैं, फिर ओवर द पास्ट फ्यू डेज यहाँ पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मेगास्टार्स के स्वैग ने यहाँ पे भीष्मा को नॉक कर दिया, लास्ट मेंबर बचते कीकी, और इसी के साथ टीम मेगास्टार्स लेती है सेकंड गेम में बेहतरीन तरीके से चिकन डिनर। तो ये एक सिलसिला चलते हुए आ रहा है कल एमजीजेड और मेगास्टार्स के